वेलकम ऑल इन आईसीटी को फॉर चैनल। आईसीटी इको फॉर चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टैंडर्ड 12 इकोनॉमिक सब्जेक्ट और बोर्ड की चैप्टर 4th और 5th की अनाउंसमेंट के लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं। ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4th और 5th के 28 दिसंबर से 2nd जनवरी तक में आपकी इकोनॉमिक्स की चैप्टर 4th और 5th की यूनिट टेस्ट बोर्ड वाले लेने वाले हैं। तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। कोई पण लक्ष्य मनुष्य ना साहस की मूर्त नहीं होतु, हर तेनी ज थाय जेने लड़त मुकी दीधी होय। सो कीप गोइंग विथ फाइटिंग विथ योर गोल। आप अपने गोल के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अच्छी तरह से मेहनत करो, ताकि अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो अगर हम अपनी फाइटिंग ही रख देंगे तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। यानी फाइटिंग करना यानी हमें अपने गोल के साथ फाइट करनी है, वहां तक पहुंचने के लिए फाइट करनी है, वहां हमें हासिल करने हैं हमारे गोल को। तो हम आईसीटी कॉफी चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस व्यूअर्स, दोस हु आर ऑलरेडी सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड दोस हु आर न्यू व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। गो एट गूगल एंड टाइप www.icdcoforyou, क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड बेल बटन सो दैट यू कैन फाइंड आउट सो मेनी नोटिफिकेशंस ऑन योर स्क्रीन और योर कंप्यूटर। ऑल्सो यू कैन डाउनलोड आईसीटी कॉफी ऐप फॉर द एंड्रॉइड वर्जन ओनली from the Google Play Store so that you can find out so many leaks. आपको free में ये मिल रही है app ICT को for you। Google Play Store में जाके आप type करो, ताकि आप सभी को अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए कि उसके अंदर क्या क्या है। टेक्सटबुक के रिलेटेड, लिंक्स रिलेटेड बहुत सारी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन उसके अंदर फ्री में दी गई है, तो आप उनको भी इंस्टॉल करिए। स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स के लिए बोर्ड की यूनिट टेस्ट के सैंपल पेपर ध्यान में रखना। सैंपल पेपर की हम बात करें, सैंपल पेपर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उससे पहले उनका हम स्ट्रक्चर कैसा है वो हमें जानना जरूरी है। स्ट्रक्चर जो है सेक्शन ए बी सी डी ई के अंदर डिवाइड हुआ है, 25 मार्क्स की है। सेक्शन ए के अंदर आपको पता ही है एमसीक्यू ईच 1 मार्क्स कैरीज, दैट इज 5 मार्क्स। सेक्शन बी आंसर इन वन वर्ड, आंसर इन वन सेंटेंस सॉरी, ईच 1 मार्क्स, दैट इज 5 मार्क्स। इन सेक्शन सी राइट द आंसर इन ब्रीफ, ईच 2 मार्क्स कैरीज, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। आंसर टू द एंड सेक्शन डी के अंदर आंसर द पॉइंट्स ईच कैरीज 3 मार्क्स, आपको 6 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन ई जो रहेगा वो लॉन्ग ऐसा टाइप क्वेश्चन रहेगा, आपको लॉन्ग डिटेल में उनकी जानकारी देनी है। तो सबसे पहले सेक्शन ए बी सी की बात करें तो ए बी सी के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, डी के अंदर जैसे कि बोर्ड ने नए अपने सर्कुलर के अंदर जो लिखा है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन डी की। डी के अंदर जो ऑप्शन थे वो पहले इंटरनल ऑप्शन थे, उनको गवर्नमेंट ने कैंसिल करके सेक्शन डी के अंदर जनरल ऑप्शन रखे। यानी यहाँ सैंपल पेपर के अंदर 25 मार्क्स के अंदर आपको 3 क्वेश्चन लेंगे, उनमें से कोई भी 2 निकालने हैं और 2 लिखने हैं, और सेक्शन ई के अंदर आपको 2 क्वेश्चन में से कोई भी 1 क्वेश्चन लेना है। अब ये क्वेश्चन आंसर जो है वो क्वेश्चन आंसर के अंदर आपको जो सैंपल पेपर दिए गए है वो सैंपल पेपर आप कैसे लो, हाउ कैन यू गेट सैंपल पेपर। तो सैंपल पेपर के लिए सबसे पहले ध्यान में रखो सैंपल पेपर की लिंक आपके कॉमेंट बॉक्स के अंदर होगी। कॉमेंट बॉक्स के अंदर सैंपल पेपर होगा, वो सैंपल पेपर के ऊपर सैंपल पेपर के लिंक के ऊपर आपको टच करना है, ब्लू लिंक दिखाई देगी उसके ऊपर आप क्लिक करो तो आपको एक पूरा पेपर ऐसा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसा आपको दिखेगा। उनके रिलेटेड चैप्टर 5 या 4 के, ये 4 की लिंक है, तो 4 चैप्टर के अंदर क्या है कौन सी जानकारी है वो जानने के लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा। जैसे पीडीएफ फॉर्मेट में आपका पेपर आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाए तो आपको 100% वो पेपर के जो क्लिक करने हैं, वो क्लिक करने के बाद आपको वो सैंपल पेपर के अंदर पूरे अपने सैंपल पेपर की पीडीएफ के ऊपर क्लिक हियर लिखा है उस पर क्लिक करोगे तो पूरी वीडियो जो चैप्टर की है वो चैप्टर को आपको मिल जाएगी। तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाके क्लिक करना है। कमेंट बॉक्स ऐसी आपके स्क्रीन के ऊपर आ सकती है, उसके ऊपर जैसे ही आपको ब्लू लिंक दिखाई दे उसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने से आपको पीडीएफ फॉर्मेट में पेपर दिखाई देगा। पेपर के अंदर चैप्टर 4 रिलेटेड बहुत सारी 5 सेक्शन के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे और
और चैप्टर फोर के क्वेश्चन को समझने के लिए पूरे वीडियो को देखने के लिए क्लिक हियर अगर लिखा है वहां क्लिक करोगे तो आप अपने वीडियो तक पहुंच पाओगे। आशा रखते हैं हम कि आपको ये जानकारी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। लेट्स चेक योर कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स के अंदर ही जाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर व्यू लिंक मिलेगी, उसको हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें अच्छी तरह से वो जानकारी मिल सकती है कि कहाँ से पेपर आ सकते हैं, कौन से पेपर है। ये सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने नोटबुक में लिखने हैं आपको, नोटबुक अच्छी तरह से बनानी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। कीप वॉचिंग एसिडिक फॉर यू फॉर चैप्टर 5 सैंपल पेपर। थैंक्स अ लॉट फॉर द डे।